हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं, वहां के लोगों को दुनिया का सबसे अनुशासित माना जाता है। एक ऐसा देश जिसने पिछले 40 सालों में इतनी मेहनत की है कि इन्होंने आज अपनी नई कहानी लिखती है। इस देश के संबंध हमारे देश के साथ बहुत अच्छे हैं और दोस्तों, इस देश की साफ सफाई देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा। एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए हर साल इतने लोग आते हैं जितनी कि यहाँ की आबादी भी नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि इसी देश में दुनिया का सबसे पहला इंसान बसा था। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं है बल्कि है ओमान, एक ऐसी कंट्री जहाँ की खूबसूरती ही उसकी पहचान है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का पूरा नाम है द सल्तनत ऑफ ओमान। देश की कुल आबादी है सिर्फ 50 लाख के आसपास, और वहीं बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यहाँ सिर्फ 16 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। यहाँ के 88% लोग शहरों में रहते हैं तो वहीं मात्र 12% आबादी ही गाँव में बसती है। देश की औसत उम्र इस समय है 30 साल, यानी कि ये देश काफी जवान है। मस्कत ओमान की राजधानी है, जो राजधानी ही नहीं बल्कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर आधुनिकता तथा परंपरा का अद्भुत संगम है और ये ओमान का एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र भी है। ओमान एक एशियन कंट्री है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि अभी ज्यादा साल नहीं बीते हैं जब 1970 तक इस देश में बहुत गरीबी हुआ करते थे। परेशानी इतनी थी कि लोगों के पास खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अफ्रीकन देशों की तरह रहन सहन फॉलो करते थे। लेकिन 1970 में एक चमत्कार हुआ और उसके बाद से इस देश की कहानी ही बदल गई। यहाँ के लोगों ने मेहनत करके सब कुछ पलट दिया और गरीबी से अमीरी आ गई इस देश में। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या चमत्कार हुआ होगा, उन्हें हर दिन का चिराग मिल गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल फ्रेंड्स, जिस चमत्कार की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के सबसे पॉपुलर सुल्तान काबूस बिन का सत्ता अपने हाथों में लेना था। उन्होंने इस देश को अपने हाथों में 23 जुलाई 1970 को लिया और उसके बाद से इन्होंने देश में सब कुछ बदल के रख दिया। हालांकि सुल्तान काबूस बिन इसी साल 10 जनवरी को हमेशा से दुनिया के लिए चले गए, लेकिन अगर आज ओमान देश को दुनिया के नक्शे पे लाने का काम किसी ने किया तो ये वही थे। आज भी इस देश में इनकी इज्जत बहुत ज्यादा है। आज भी ये ओमान के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। सच में ऐसे लीडर्स की जरूरत सबको है। दोस्तों, ओमान का बॉर्डर साउथ में अरब सागर से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पे मछली पालन का काम बहुत बड़े पैमाने पे होता है। यहाँ के लोग मछलियों को पकड़ के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को मछली के बिजनेस से बड़ा लाभ मिला है। हजारों की संख्या में लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही लोकल लेवल पे भी फिश की डिमांड ज्यादा होने की वजह से मछली पालन का काम बहुत हिट है। ओमान देश में जैसे ही कोई बालिग हो जाता है, यानी कि 18 साल से ज्यादा का हो जाता है, उसे यहाँ सरकार के द्वारा जमीन का एक हिस्सा दिया जाता है जिसे वो अपना घर बनाने के लिए यूज कर सकता है। कहते हैं कि जिसके पास महीने में $1,000 से कम की कमाई है उसे यहाँ की सरकार खुद ही घर भी बना के देती है। आपको घर खरीदने की कोई टेंशन नहीं है और नहीं टैक्स भरने की। ओमान की बात करें तो यहाँ के लोग वाकई में लकी हैं। आज के जमाने में कहाँ की सरकार अपने लोगों को घर बनाने के लिए जमीन देती है, लेकिन ओमान सबसे अलग है। यहाँ के लोग भी अपने सुल्तान को मानते हैं और सुल्तान भी अपने लोगों को प्यार देते हैं। ऐसे यहाँ की जनसंख्या भी कम है और वो भी एक कारण है कि ऐसा पॉसिबल है। ओमान में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को पसंद किया जाता है तो वह है सुबह के टाइम पे लेमन टी। जी हाँ, जैसे हमारे देश में दूध वाली चाय सबको चाहिए होती है, ओमान में लोग लेमन टी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे इसके कई फायदे हैं। पहली बात तो ये आपके शरीर से फैट बर्न करता है और दूसरा ये कि ये आपको फुर्तीला बनाता है। बस यही वजह है कि यहाँ के लोग लेमन टी को बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, ओमान में दिन के समय भयानक गर्मी पड़ती है और इसी वजह से यहाँ पर दिन के समय कोई भी आउटडोर काम करना पॉसिबल नहीं है। तभी तो यहाँ पे मैक्सिमम काम जैसे कि कंस्ट्रक्शन या रोड बनाने जैसी चीजें ये सब रात में की जाती हैं। यहाँ पर लेट नाइट तक काम होता है और अर्ली मॉर्निंग तक चलता है। वहीं दिन में यहाँ सब कुछ बंद रहता है सिर्फ ऑफिसेस को छोड़ के। ओमान एक अरबिक मुस्लिम देश है लेकिन यहाँ महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। इस देश में महिलाओं को पूरी आजादी है अपने तरीके से लाइफ जीने की। साथ ही दोस्तों, यहाँ की महिलाएं न सिर्फ हर प्रकार के काम करती हैं बल्कि आजकल देश की सेना में भी शामिल हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि अरब कंट्रीज में महिलाओं को किस तरह से ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती, लेकिन ओमान बहुत अलग है। यहाँ की महिलाएं वोटिंग में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और सरकार बनाने और हटाने में इनका रोल अहम होता है। बाकी इस्लामिक देशों से ये बहुत अलग है। ओमान की साफ सफाई देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर कहीं भी गंदगी आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ सुबह सुबह ही रोड की सफाई कर दी जाती है और उसके बाद आपको यहाँ पर चारों तरफ सफाई नजर आएगी। यही वजह है कि जो टूरिस्ट इस देश में आते हैं वो यहाँ बहुत सुकून से समय बिता पाते हैं। ओमान का रिश्ता हमारे देश भारत से बहुत अच्छा है। यहाँ के कई सुल्तानों की पढ़ाई हिंदुस्तान में हुई है। बहुत सारे इंडियन लोग आपको देखने को मिल जाएंगे इस देश में। ओमान की कुल जनसंख्या का 20% भारतीयों से बना है। सबसे ज्यादा इस देश में भारतीय इंजीनियर्स काम करते हैं और वो ओमान को आगे लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर भारतीयों को अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं।
राजधानी शहर मस्कट में दो हिंदू मंदिर भी हैं, जिनमें से एक 100 साल से भी अधिक पुराना है। दोस्तों, जहां तक बात रही इस देश में आने वाले टूरिस्ट की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर कम से कम 2019 तक 6 से 7 मिलियन लोग हर साल घूमने के लिए आते थे। उसके बाद तो आपको पता ही है कि टूरिज्म इंडस्ट्री की क्या हालत हुई है चीन से आई बीमारी की वजह से। लेकिन आप समझिए कि यहां की कुल आबादी ही है 50 लाख के आसपास, और इससे कहीं ज्यादा लोग इस देश में घूमने आते थे। ये सब ओमान की खूबसूरती और इनके बेहतरीन होस्ट होने की वजह से हुआ है। इन्हें भी पता है कि आजकल टूरिज्म इंडस्ट्री कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट सेक्टर बन गया है, इसलिए टूरिस्ट को हर सुविधा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस देश में घूमने के लिए आएं। ओमान में 75% लोग मुस्लिम हैं, बाकी के 25% में हिंदू, क्रिश्चियन और बाकी धर्म के लोग शामिल हैं। इस देश में धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं होती, ये भी एक बड़ी वजह है इस देश के डेवलपमेंट की। यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं और धर्म से उठ के बात करते हैं, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है। ओमान के लोगों को बहुत ही डिटैच्ड नेचर का माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग न तो किसी से कुछ ज्यादा बोलते हैं और न ही किसी भी बात पे लड़ते हैं। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो एक बार नियम बन जाता है, हर कोई उसका पालन करता है। यही वजह है कि इस देश ने खूब तरक्की की है। कई देशों में लोग अपनी सुविधा के हिसाब से नियम बनाते हैं और तोड़ते हैं, लेकिन इस देश में ऐसा नहीं है। यहाँ जो सुल्तान ने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। ओमान के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। इस मामले में ये अरब के बाकी कई देशों से बहुत अलग है ना। आ जाता है कि अरब के देश में इतना पैसा है कि यहाँ के लोगों को मेहनत करने की आदत ही नहीं है, लेकिन ओमान देश इस मामले में बहुत अलग है। इस देश की बात ही अलग है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ पर काम का मतलब होता है काम। कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कि आधा अधूरा काम छोड़ के चला जाए, और इसी आदत ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है, वो भी सिर्फ 40 से 42 सालों में। दोस्तों, ओमान को पक्षियों का देश भी कहा जाता है। बहुत ही कम लोगों को पता है ये बात कि ओमान में ठंड के मौसम में यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई तरह के पक्षी आपको देखने को मिल जाते हैं। जहाँ दोस्तों, अगर आपको भी तरह तरह के बर्ड्स देखने का शौक है तो आप यहाँ आ सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, शुरू से ही ये देश सबसे अलग रहा है। इस देश की पड़ोसी कंट्रीज हैं UAE, सऊदी अरेबिया और यमन, लेकिन ओमान इन देशों से बहुत अलग है। इनके पड़ोसी देश वाले सिर्फ और सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ओमान ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, और ये देश खजूर, मछली और कुछ अलग तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है बड़े लेवल पे, और यही है इस देश का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। ये इतने बड़े होते हैं कि आप खो जाओगे यहाँ पे। हर फ्राइडे इन मॉल्स में लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग मस्त खाना खाते हैं और अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग मॉल में जम के शॉपिंग भी करते हैं, क्योंकि पैसों की तो यहाँ के लोगों के पास कोई कमी ही नहीं है। दोस्तों, आजकल दुनिया में सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद का है, लेकिन ओमान दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर आतंकवाद न के बराबर है। इस देश में किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधियां नहीं चलती। वेल फ्रेंड्स, एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड, ये कहना था यहाँ के सुल्तान का। इन्होंने यहाँ पर सबके लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। यहाँ एक समय था जब यहाँ लिटरेसी रेट था 60%, और कहाँ आज का टाइम है, अब ये 95% पे है। आज तो विदेशों से स्टूडेंट्स आते हैं इस देश में पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ के बच्चे भी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। ओमान देश के बारे में सबसे रोचक तथ्य ये है कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान इसी देश में था, यानी कि यहीं से इंसानियत की शुरुआत हुई। इस देश में मिली गुफाओं और कंदराओं का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इस देश में 160,000 साल पहले से इंसान रहते आ रहे हैं। ओमान के रिश्ते अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बहुत अच्छे हैं। ओमान का अमेरिका और ब्रिटेन के साथ डायरेक्ट ट्रेड का रिश्ता है। कुछ चीजें ओमान से एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका और ब्रिटेन से इम्पोर्ट करता है ओमान। जुलाकर देखा जाए तो ये बहुत ही शांत देश है, और यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, और यही तरीका भी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओमान में आपको यहाँ के लोकल लोगों के अलावा सबसे ज्यादा भारत के, पाकिस्तान के और श्रीलंका के लोग मिलते हैं। इस देश में कुछ लोग अफ्रीका से भी पलायन करके आए हैं। छोटा सा देश है, लेकिन कई अलग अलग कंट्रीज के नागरिक रहते हैं यहाँ पे। वेल फ्रेंड्स, ओमान देश में क्राइम न के बराबर है। यहाँ के नियम कानून इतने खतरनाक हैं कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती क्राइम करने की। इस देश में तभी तो टूरिस्ट आते रहते हैं और बिना किसी चिंता के देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते भी हैं। यहाँ पर रात में भी आप आराम से घूम सकते हैं। साथ ही ओमान के लोगों का बेसिक नेचर भी बहुत ही फ्रेंडली होता है, और ये आपको किसी भी काम के लिए मना नहीं करते। ओमान में शराब पे बैन लगा हुआ है, खास करके मुस्लिमों के लिए। अगर इस देश में कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन ईसाई लोगों के लिए इस पे छूट है, लेकिन उन्हें भी शराब पे अपनी मंथली इनकम का 10% से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी सबसे महंगी करेंसी है। एक ओमानी रियाल अभी लगभग 190 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको ओमान की कौन सी बात सबसे अजीब लगी। क्या आप गए हो कभी ओमान, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।